जहां गांव सुंदरम में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। कनीना के बाद ये कार्यक्रम जहां सीएम ने करोड़ों की सौगात दी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी उन्होंने किया। 8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी उन्होंने दी। 35 लाख रुपए से सुंदरम में व्यायाम शाला बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही कनीना ब्लॉक के सरपंचों के लिए मांग पत्र, गांव में सीएम ने स्वयं सहायता समूह के उत्पाद भी खरीदे। देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से गांव के लोगों को ये सौगात जो है वो दी गई है। कनीना के बाद सुंदरह को भी सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया है। 8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दे दी है। देखिए, व्यायामशाला बनाने की भी घोषणा हुई है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। दरअसल सीएम ने गांव से स्वयं सहायता समूह के कुछ उत्पाद भी खरीदे थे और इसी दौरान सीएम ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को भी बढ़ावा देना होगा। मेरे सहयोगी राजीव सुल्तानी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है गांव वासियों को, और ये बताइए क्या कुछ कार्यक्रम में खास चीजें उनके सामने आई हैं? सृष्टि मेहता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री के कनीना अनाज मंडी में प्रोग्राम हुआ है और दूसरा प्रोग्राम सुंदरे गाँव में हुआ है। सुंदरे गाँव में मुख्यमंत्री ने सरपंचों से बातचीत की और उनके मांग पत्र लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने 8 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, जो मांग पत्र सरपंच के द्वारा रखे गए थे, उन सभी परियोजनाओं को मांग लिया गया और कहा कि जो विकास कार्य हैं वो गांव में करवाए जाएंगे और जो नजदीक की ग्राम पंचायत हैं उनके मांग पत्र भी मुख्यमंत्री जी ने दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी फिलहाल सुंदरे गाँव में लंच पर गए हुए थे और वहां से अब मुख्यमंत्री जी सीधे अकेली मंडी में आएंगे और यहां पे लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। इस समय हम अकेली मंडी में है, यहां पे लोग आप देख सकते हो, यहां पे लोग आए हुए हैं, बैठे हैं, यहां पे महिलाएं हैं, सीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहां पे पहुंचने वाले ही हैं, 5 से 10 मिनट में मुख्यमंत्री जी यहां पे पहुंच जाएंगे और अकेली मंडी में लोगों से जनसंवाद करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करेंगे। जी, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुनने के लिए पहुंचे हैं वो भी बताइए, और लोगों की अगर बात की जाए तो उनमें कितनी खुशी है इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री खुद उनके बीच पहुंचे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग बहुत खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद उनके बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पे आए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी का आने का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आएंगे, उन लोगों से जनसंवाद करेंगे और उनकी समस्याएं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद लोगों के बीच में माइक के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनते हैं और वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखते हैं। मुख्यमंत्री जी उनकी समस्या सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि भाई इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। जिस भी विभाग की समस्याएं होती है उस विभाग के अधिकारी को मौके पर ही उस समस्या से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। राजीव, ये भी बताइए, जिन करोड़ों की सौगात जो है, विकास कार्यों की सौगात जो मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, उनमें मेन मेन मुख्य अगर परियोजनाओं की बात की जाए तो वो क्या क्या हैं और इससे लाभ आगे आने वाले समय में यहाँ के ग्रामीणों को किस तरह से पहुंचेगा वो भी बताइए। पत्र रखा गया था कि मुख्यमंत्री के सामने सनीना में कहा था कि जो फ्लाईओवर है, रेलवे फ्लाईओवर वो अकेली रोड के ऊपर है, उसको तुरंत प्रभाव से बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा जल्द ही हमने रेलवे को पत्र लिख दिया गया है और उस पत्र के माध्यम से जल्द ही ये मंजूरी मिल जाएगी और ओवरब्रिज वहां पे बना दिया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने में समस्याएं ना हो। दूसरी मुख्यमंत्री के जो सामने मेन समस्या रखी, जो कनीना से महेंद्रगढ़ रोड है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्द ही 12 करोड़ रुपए की लागत से ये बना दिया जाएगा और 13 करोड़ रुपए की लागत से कनीना से अकेली जो रोड है उसको रिपेयर किया जाएगा।
जो मेन मांगे थी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उनको तुरंत प्रभाव से मान लिया गया। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। जो सड़क मार्ग है, कमीना से सेलावास है, गुड़ा से टकराला है, इस तरह के जो सड़क रोड थे उनका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और दो उद्घाटन अटेली मंडी में मुख्यमंत्री जी इस समय आएंगे और यहाँ पे रोडों का ही उद्घाटन करेंगे। हाँ, अभी अभी और कितनी देर है राजीव, कितना इंतजार अभी और वहाँ के लोगों को करना है सीएम के वहाँ पहुँचने के लिए? जी यहाँ पे लोग सीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं। सीएम साहब जैसे ही वहाँ पे लंच का प्रोग्राम खत्म होता है तो मुख्यमंत्री 5 से 10 मिनट में यहाँ अटेली मंडी में पहुँचने वाले हैं। यहाँ का जो टाइम था वो 2 बजे का था, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बस 5 से 10 मिनट में आने वाले हैं। राजीव, हम देख रहे हैं कि सिर्फ इसी गांव में नहीं, अन्य गांवों में भी मुख्यमंत्री जब पहुंच रहे हैं तो जनता से संवाद भी कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। अब अगर लोगों की बात करें तो वो कितने संतुष्ट इससे नजर आते हैं जब सीएम से जन संवाद करते हैं, अपनी उनको समस्याएं बताते हैं और उनका समाधान होता है? किस लेवल पर ये समाधान हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश रहती है सीएम की, ये भी बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोगों का कहना है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री है जो लोगों के बीच में आके और उनकी समस्याओं को सुन के समाधान कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री पब्लिक के बीच में जाके इस तरह से सिंपल तरीके से बैठ के उनके बीच में जाके और उनकी समस्याएं नहीं सुनी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों के बीच में इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें जो लोग हैं उनकी एक्चुअल समस्या का पता चले और उसका समाधान हम कर सके। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने ऑनलाइन पोर्टल से जो जिनकी जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो बिक्री की है, चाहे फसल बिक्री की है, चाहे फसल का ऑनलाइन है, मेरा फसल मेरा बोरा है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई हमने हर चीज से फैमिली आई है, हमने हर चीज को ऑनलाइन देने की कोशिश की है, ऑनलाइन पोर्टल हमने बनाए हैं कि वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी समस्याएं रख सकते हैं और उसमें हर विभाग से संबंधित जो भी चीजें हैं वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर दर्ज कर सकते हैं। जी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हमने राजीव एक और बात देखी कि जब मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि जब आप स्वयंसेवी जो संस्थाएं होती हैं, जब वहां से कोई सामान खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं इससे स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और खुद एक सामान कहीं ना कहीं उत्पाद खरीद के उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सहायता समूह के द्वारा कनीना में भी और सुंदरे गांव में भी खटाल लगाई हुई थी। जो स्वयं सहायता जो समूह है वो बवानिया गांव का है, जो अचार का और इस तरह के बिस्कुट के आइटम स्वदेशी बनाते हैं और बाजरे से बनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों से वहां पे बिस्कुट भी परचेज करे और वहां से अचार भी परचेज किया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए और जो स्वयं सहायता समूह इस तरह से काम कर रहे हैं हम उनको सहायता भी देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बात हो, चाहे वो किसी दूसरी प्रकार के सहयोग की बात हो, वो हमारे एडीसी के माध्यम से उनकी जो भी मांगे होती हैं उनका हम सहयोग करके उनको मोटिवेट करते हैं। अगर 2 लाख रुपए तक का कोई बिजनेस कोई स्वयं सहायता ग्रुप जो है वो मिलकर कर सकता है और अपना काम मतलब अपना जीवन यापन उससे वो कर सकता है। जी चलिए आखिरी में मैं चाहूंगी कि राजीव आप एक बार तस्वीरें दिखाएं कार्यक्रम की, क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले काफी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई जो है वो नजर आ रही है। जी मैं आपको कैमरा मैन को कहना चाहूंगा कि जो लोग आए हुए हैं उनकी तस्वीरें वो दिखाएंगे कि यहाँ पे महिलाएं हैं वो काफी संख्या में आए हुए हैं, पीछे की तरफ जो पुरुष हैं वो चारपाइयों पे बैठे हैं, बड़े सिंपल ही तरीके से यहाँ पे इस समारोह के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर लोग आए हुए हैं और काफी काफी संख्या में पीछे की तरफ आप देख सकते हो कि किस तरह से चारपाई डाल के लोग बैठे हैं और सीएम साहब का आने का इंतजार कर रहे हैं और आगे की तरफ जो महिलाएं हैं वो नीचे गद्दे डाल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल एक साधारण तरीके का आयोजन जो है वो यहाँ पे किया गया है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप स्वयं देख रहे हैं। जी हाँ राजीव, अगर आप इन महिलाओं से या इन आम लोगों से बात कर पाए और जान पाए वो यहाँ पर पहुंचे हैं किस लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या सीएम को सुनने के लिए पहुंचे हैं या अपनी कोई समस्या लेकर ये यहाँ पर आए हैं और कितने उत्साहित हैं सीएम के आने को लेकर? हम उन महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रोग्राम में आए तो क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ पे सीएम साहब के प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर में सीएम साहब यहाँ पे आएंगे? सीएम साहब हमें तो सर 4-5 दिन समझते हैं, किस तरह का यहाँ प्रोग्राम आप देख रहे हैं? जी तो
जी हम दूसरी महिला से बात करने की कोशिश करते हैं, वो जरा बताएंगी कि वो स्वयं सहायता ग्रुप जो एनजीओ उन्होंने बनाया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोग्राम में आई हुई है, क्या कहना चाहती है? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा बैठने का हमारे विलेज वाइज में भी हमारा ऑफिस होना चाहिए, हम उसी अपनी टीम करके तब हम बहुत परेशान रहे। जी आप कहाँ पे कहाँ कौन से गाँव से है और कहाँ पे आप जी? बिल्कुल, तो राजीव हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, थोड़ी आपकी वॉइस में अभी डिस्टर्बेंस आने लगी है, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम की आपने तस्वीरें दिखाई हैं और लोग तमाम यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का खुद भी ये लक्ष्य है, उनकी कोशिश यही है कि जनता के बीच पहुंचे, जन जन से संवाद करें, और करोड़ों की सौगात तो यहां पर ग्रामीणों को इन गांवों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी है। अब कुछ ही देर का इंतजार है जब सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचेंगे, और तस्वीरें भी हम आपको कार्यक्रम से लगातार दिखा रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।